हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं विनीत और स्वागत है आपका हमारे चैनल दैट वन डे में। एक नया दिन, नई शुरुआत और एक नया सफ़र। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट व्लॉग जो आपने देखा था, हमने डिस्कवर किया था वेडिटोर, जहां पर हम गए थे वहां जिप लाइन पे और ओखरे व्यू टावर में। वहां से कुछ 66 किलोमीटर चलकर हम आ चुके हैं बहुत ही ब्यूटिफुल प्लेस जिसका नाम है बसंतपुर तीनझुरे, जो कि नेपाल के नेशनल फ्लावर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आज का हमारा शेड्यूल है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं गुफा पोखरी, जो कि यहाँ से है 40 किलोमीटर्स। तो पहले हम जाएंगे गुफा पोखरी, उसके बाद जब हम वापस लौटेंगे तब हम करेंगे तीनझुरे कवर और आपको दिखाएंगे नेपाल का नेशनल फ्लावर। तो चलिए चलते हैं गुफा पोखरी के लिए एंड लेट्स हिट द रोड्स। जैसे हमने क्लाइम किया है फ्रॉम बसंतपुर, तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया है, मौसम वेदर बिल्कुल बदल गया है अभी। और अगर आप दूर देख पा रहे होंगे ऊपर, तो कुछ ऐसा मौसम है ऊपर और हमें वहीं जाना है गुफा पोखरी। ये जो आप ट्रीज देख रहे हैं, ये जो पीछे आप सारे ट्रीज देख रहे हैं, यही सब है द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल के ट्रीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी लग रहा है कि ये सीज़न नहीं है, ये उनके लाइक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जब वो ग्रो करते हैं या जब वो फ्लावर आता है पेड़ में। तो देखते हैं ऊपर हमें देखने को मिलता है कि नहीं, बट इन द मीन टाइम द व्यू इज़ कम्प्लीटली इनक्रेडिबल, बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरा ऑफ रोड है, आप देखिए पीछे रास्ता देखिए, कम्प्लीटली ऑफ रोड और मौसम तुरंत चेंज हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आगे आपको, देखिए क्लाउड। अगर अभी चल रहा है मार्च, अगर हम लोग थोड़े दिन पहले आते या आप बोलिए दो महीने पहले आते या एक महीने पहले आते, तो इस कम्प्लीट एरिया में स्नो होता है और पूरा स्नोफॉल होता है यहाँ पे। अभी वेदर अच्छा है, सो वी कैन गो स्मूथली टूवर्ड्स गुफा पोखरी। सो चलिए चलते हैं आगे। इन रोड कंडीशंस पे मैं आपको एडवाइस करूँगा एक 4x4 गाड़ी या तो एक ऑफ रोड टू व्हीलर, जो कि गुफा पोखरी जाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और इस शॉट में आप जितने भी ट्रीज देख रहे हैं वो है लालीगुरस के ट्री, जो कि है नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। और जब आप सीज़न में वहाँ जाएंगे तो इन वैली में आपको सिर्फ और सिर्फ सुंदर लालीगुरस के फूल ही दिखेंगे। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं गुफा पोखरी। और जो आप देख रहे हैं ये है गुफा पोखरी बस्ती। पोखरी जो है वो उस तरफ है। सोचा आए हैं सुबह से, कुछ खाना पीना ज़्यादा हुआ नहीं है, तो पहले करते हैं कुछ पेट पूजा, बाकी उसके बाद कोई काम दूजा। डायलॉग ज़्यादा हो रहे ना इसमें। तो गुफा पोखरी में आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये गुफा पोखरी बस्ती है पूरी। ये देखिए छोटा सा जगह है, यहाँ पे रुकने के लिए लॉज और होटल्स भी हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको फिर।
गुफा पोखरी जो कि 28th सेंचुरी में नाम दिया गया है, इससे पहले इस पोखरी को बोलते थे सिद्ध मार्गा और कुछ लोगों के मतलब लोकल्स के बिलीव के बाद इसे नाम दिया गया है गुफा पोखरी का। और व्यू बहुत ही अच्छा, आज वेदर उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, अदरवाइज क्लियर वेदर में इस तरफ हिमालय पहाड़ स्नो से ढके हुए बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, बट अभी बिल्कुल भी वेदर अभी क्लियर नहीं होने के कारण अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं देख पाएंगे। बट हाँ, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों के लिए ये पोखरी बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखती है। गुफा पोखरी 9480 फीट की ऊंचाई पे अबव द सी लेवल सिचुएटेड है। सो इट्स टाइम टू से बाय फ्रॉम हियर। और बहुत बढ़िया था यहाँ पर, ये है वो व्यू जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था गुफा पोखरी का। और अब चलेंगे यहाँ से आगे की ओर। गुफा पोखरी से निकलकर इन वादियों का मजा लेते हुए हम 5 घंटे की जर्नी तय कर पहुंच चुके थे धारान, और वहां पर जाकर हमने लिया था अपना नाइट होल्ड और अगले दिन हम निकल पड़े थे कोशी नदी के ओर। कल हम जहाँ आए थे कोशी ब्रिज पे, वहाँ पर बोट राइड करने का था प्रोग्राम, बट कल शाम को लेट हो गया था और जितनी भी फेरी की शेड्यूल है वो ख़त्म हो गया था। तो आज हम दोबारा आए हैं यहाँ पर और आज करेंगे बोट राइड, और यहाँ पर आपको लेकर जाएंगे एक पॉइंट जो कि कहा जाता है त्रिवेणी, जहाँ पर 3 नदियाँ एक साथ आकर मिलती है। तो आज हम जाने वाले हैं वहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊँगा बोट राइड यहाँ पर नेपाल में कैसा होता है, और साथ ही साथ आपको मिलाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन से जिनका कि ये बोट राइड का जो क्लब है वो उसके प्राउड ओनर है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन जो मैं अपने इस पूरे ट्रैवल टाइम पीरियड पे मिला हूँ, मिलाता हूँ मैं आपको उनसे। हेलो गाइस, तो मैं जिस इंटरेस्टिंग पर्सन के लिए जिससे आपको मिलवाने की बात कर रहा था वो यहाँ पर है, श्याम दाई। हेलो श्याम दाई, कैसे हैं आप? तो इन्हीं का यहाँ पर वो बोट क्लब है जिस बोट से अभी हम जाने वाले हैं कोशी नदी में बोट राइड के लिए। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो श्याम दाई, आपको कितना टाइम हुआ ये इंडस्ट्री में? ये इंडस्ट्री हम लोग तो अगर 17 वर्ष हो चुका है। बहुत साल से है? बहुत साल से, 17 वर्ष से आगे से। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो एरिया है तो यहाँ पे बोटिंग का कॉन्सेप्ट काफी लोग लेके आए हैं? नहीं, हम लोग बोट लेके आए, अपने निजी से बोट लेके आए थे ना, हम लोग खरीद करके लेके आए थे। आप यहाँ से नहीं, चेन्नई और अमेरिका और सिंगापुर से लेके आए थे। सिंगापुर से ये से 17 वर्ष आगे से लेके आए, आगे से लेके आए। तो यहाँ पर टूरिस्ट का कैसा है अभी जाना आना, लोग कैसे? टूरिस्ट का जाना आने में बहुत सस्ता है, आपको गाड़ी में जाने से 1000 भी ले लेता है। हम लोग गाड़ी में आपको 6.5 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। अभी हम लोग को बोट पे जाने में 15 मिनट्स ओनली 15 मिनट्स लगता है। 15 मिनट्स उसमें 500 में चला जाता है। अब गाड़ी में चला जाएगा तो आप लोग को 1000 भी लेता है। अभी तो हम लोग 500 लेके जा रहा है, आप लोग आधा आपको 15 मिनट में लेके पहुँच जाएंगे वहाँ पर, 15 मिनट के पहुँच। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो चलता है फेरी जिसको कि यूज़ करते हैं लोकल लोग, वो अपने इस तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, अपने गांव की तरफ जाते हैं, और एक है जो कि स्पीड बोट चलता है टूरिस्ट के लिए, जो कि टूरिस्ट बोट जो चलता है वो यहाँ पर लेके जाते हैं एक पॉइंट जिसका नाम है त्रिवेणी। सप्तकोशी नदी वहाँ पर मिलता है। अच्छा, 60 नदी वहाँ पर, 7 नदी वहाँ, 7 नदी है। तो जैसा बता रहे हैं श्याम दाई, वहाँ पे 7 नदी मिलती है बट उसको बोलते हैं त्रिवेणी। तो आज हम जाएंगे, और आप थोड़ा सा सिर्फ बता दीजिए कि वहाँ पे कितना चार्ज लगता है, टूरिस्ट जब आएंगे तो उनको पर पर्सन कितना देना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पर जाने के लिए 500 लेता है। ठीक है, यहाँ से 500 रुपये भाड़ा लेता है, वो आने के लिए 500 लेता है, है। बस, और 10 आदमी आएगा तो एक आदमी छूट कर देंगे, 1000 रुपये छूट कर देंगे। 1000 रुपये छूट कर देंगे बस। तो ऑलमोस्ट आपका जो चार्ज लगेगा जाने का और आने का वो लगेगा 1000 रुपीज़ नेपाली करेंसी में,
बट अगर आप हमारे व्लॉग देख के आ रहे हैं श्याम दाई को बताएंगे तो कुछ डिस्काउंट जरूर करेंगे। तो ये बिल्कुल श्याम दाई बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, आप आइए तो इनके बारे में जरूर डिस्काउंट करेंगे। और आपको मैं एक स्पॉट बताना चाहता हूँ, अगर जब आप आएंगे इस तरफ से आप अगर आ रहे हैं तो ये आपको होटल याद रखना है जहाँ पर आपको आके इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। ये होटल का नाम तो आप जरा मुझे बताइए। समझना होटल। बोट राइड की तैयारी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं बोट राइड के लिए, तो चलिए चलते हैं और आपके साथ शेयर करूंगा बोट राइड का एक्सपीरियंस जो कि मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे साथ बहुत ही मज़ेदार इंसान है मनोज भाई और साथ ही साथ श्याम दाई, आपने देखा वो कितने इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो चलिए चलते हैं आप। और इस बोट राइड के लिए हमने तय की थी 20 किलोमीटर की जर्नी धारान से और हम पहुंचे थे कोशी ब्रिज जो कि है चतरा घाट पर, और वहां पहुंचकर हमने की थी ये स्पीड बोट की सवारी। सो गाइस दिस इज आवर बोट जिसमें हम जा रहे हैं अभी बोट राइड के लिए। श्याम दाई रेडी गो, लेट्स गो। हम बोट में बैठ गए हैं और अपना जो राइड है बोट राइड वो शुरू करने वाले हैं। अभी प्री बोट स्टार्टिंग चेक चल रहा है और अब स्टार्ट हो चुका है बोट। इतना सुंदर पहाड़ पीछे और कोशी नदी, एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। क्या बोल रहे श्याम दाई? स्टार्ट भाई, मनोज भाई, बोलिका और करीब 20 से 25 मिनट की स्पीड बोट की थ्रिलिंग राइड के बाद हम पहुंच चुके थे त्रिवेणी के उस पॉइंट पे जो कि था हमारा आज का डेस्टिनेशन। यहाँ का जो नजारा है वो इतना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाए। जो मेरे पीछे आप बोट देख रहे हैं जो अभी जा रहा है वो है फेरी बोट। वो यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जिस बोट से हम यहाँ तक आए हैं वो प्राइवेट बोट है, वो आप ले सकते हैं। मैंने जो आपको बताया श्याम दाई से आप यहाँ पर ले सकते हैं बात करके, और वो आपके लिए एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर करेंगे। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। हमारे इंडिया में भी है त्रिवेणी, सिलीगुड़ी के पास ही है, बट वहाँ पर स्पीड बोट नहीं चलती, और जो स्पीड बोट का मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस था वो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो सफ़र के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे एक नई मंजिल नए सफ़र की ओर। तब तक के लिए टाटा, bye-bye and take care.